गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। टॉपिक चल रहा है मेजर टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसके अंदर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे थे कि एमओटी के अकॉर्डिंग हम एनर्जी लेवल डायग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं और उसी के आधार पर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और बॉन्ड ऑर्डर और एनर्जी लेवल होता है उसका जो ऑर्डर होता है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात हमारे को किस प्रकार से पता लगता है कि मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक नेचर का है या फिर डायमैग्नेटिक नेचर का है, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, इससे पहले की क्लास के अंदर हम B2 प्लस आयन के लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर चुके थे। उससे पहले हम B2 अणु के लिए BE2 अणु के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर चुके थे। आज हम B2 मॉलिक्यूल के लिए या B2 अणु के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करेंगे इस क्लास के अंदर। देखो, हमारा टॉपिक चलेगा आज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल। टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल। देखो, हम यदि बोरॉन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो बोरॉन के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p1 होता है। दूसरा बोरोन, इसके अंदर देखो s कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p कक्षक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। px, py और pz 3 कक्षक होते हैं। दूसरे बोरोन की हम बात करेंगे, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से ही पाया जाएगा, अर्थात 1s2 2s2 2p1। इसके अंदर इस s कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p कक्षक है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर हम एनर्जी लेवल की हम बात करें तो देखो, इसके अंदर हमने देखा था जितने परमाणु कक्षक होंगे उतने आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। ये 2 परमाणु कक्षक हैं तो 2 ही आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। इस प्रकार से 2 ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें से जो आणविक कक्षक होते हैं उनमें से आधे बंधी आणविक कक्षक होते हैं तो आधे प्रतिबंधी आणविक कक्षक होते हैं, अर्थात ये 1s है तो ये भी क्या है 1s। ठीक है, ये सिग्मा 1s और ये क्या है सिग्मा स्टार 1s, अर्थात सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। देखो, इसके अंदर 1s के अंदर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 पाए जा रहे हैं तो इसके अंदर भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जितने परमाणु कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका योग हम आणविक कक्षकों के अंदर भरते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, पहले इलेक्ट्रॉन ऑफ बुक के अनुसार निम्नतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर आते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 1s के बाद में, देखो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके अंदर 2 और यहाँ सिग्मा 1s स्क्वायर और सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर। अब हम बात करते हैं 2s की। देखो, 2s के अंदर ये परमाणु कक्षक, ये भी परमाणु कक्षक है। ठीक है, ये आणविक कक्षक का निर्माण होगा इस प्रकार से, ये आणविक कक्षक। ठीक है, आप देखो इसके अंदर ये आणविक कक्षक और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इस 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। जितने परमाणु कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका योग हम आणविक कक्षकों के अंदर भरते हैं। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है यहाँ पर सिग्मा 2s स्क्वायर
और सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हम 2p की बात करते हैं, तो पी कक्षक की बात करते हैं, तो देखो 3p कक्षक पाए जा रहे हैं यहाँ पर, कितने हैं 3, और यहाँ पर भी 3p कक्षक पाए जा रहे हैं, ठीक है, कितने हैं 3। तो यहाँ देखो ये 2 कक्षक और ये 1 कक्षक, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ 2 कक्षक और ये 1 कक्षक, ठीक है। अर्थात नाइट्रोजन से पहले वाले जो परमाणु होते हैं उनके लिए यदि हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं डायग्राम की, तो इस प्रकार का ही बनता है। नाइट्रोजन के बाद वाले होते हैं उनके अंदर जो ये कक्षक होते हैं 2p x और π2pY होते हैं, वो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, σ2pZ की कम होती है, लेकिन इसके अंदर उल्टा होता है। अर्थात यहाँ ये क्या होता है 2px, ये 2py और ये 2pZ, यहाँ पर ये भी 2px 2px 2py और ये 2pZ 2pZ, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। जितने परमाणु कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका योग हम आणविक कक्षकों के अंदर लेते हैं। ये क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये पाई 2px 1, पाई 2py 1, ठीक है, और सिग्मा 2pZ, ठीक है, और ये क्या है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pZ, ठीक है। इस प्रकार से ये कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये जो इधर से इधर जाते हैं हम, तो यहाँ देखो ये इसकी इंक्रीजिंग एनर्जी होती है, इस प्रकार से हम इंक्रीजिंग एनर्जी को इस प्रकार से डिनोटेड कर सकते हैं। ये क्या होती है इसकी इंक्रीजिंग एनर्जी, ये इंक्रीजिंग एनर्जी होती है, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसे इस डायग्राम को हम कहते हैं MOT ऑफ B2 मॉलिक्यूल या एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल, ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है B2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम इसके जो यदि हम बात करें तो यहाँ देखो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसके अंदर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो ये होता है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, यदि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। उसके बाद यदि अब इसके अंदर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर की यदि हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर NB-NA/2 होता है, अर्थात नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है, यहाँ देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 6, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपॉन 2, अर्थात हमारे को बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 प्राप्त होता है, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर की बात करते हैं, एनर्जी लेवल
ऑर्डर की बात करें तो देखो एनर्जी लेवल ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे कम ऊर्जा सिग्मा 1s2 की, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s2 की, उसके बाद में सिग्मा 2s2 की, और उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s2 की, और उससे ज़्यादा पाई 2px1 की और पाई 2py1 की। ठीक है, तो ये हम एनर्जी लेवल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ हम एनर्जी लेवल ऑर्डर को लिख सकते हैं, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s2, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद में सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद में पाई 2px1 बराबर पाई 2py1। अर्थात यहाँ px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और py के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये उसका इसका क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा है कि एनर्जी लेवल का ऑर्डर होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात की है जो P2 मॉलिक्यूल होता है, बोरोन मॉलिक्यूल होता है, उसके लिए MOT डायग्राम क्या होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना पाया जाता है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, एनर्जी लेवल क्या होता है, ठीक है, इन सब की हमने बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन के बारे में अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।